तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वी इलेवन प्रो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीवो वी इलेवन प्रो में एक नया अपडेट आ चुका है, जो कि काफ़ी लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि भाई वीवो वी इलेवन प्रो में नया अपडेट कब आएगा, जो कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वीवो के फ़ोन में एंड्रॉयड पे अपडेट के बाद। उसके बाद एक अपडेट और आया था तो वो सभी को मिल गया था, बट अभी एक अपडेट और आ चुका है वीवो वी इलेवन प्रो में। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या आपको चेंजेस मिलने वाले हैं इस अपडेट में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइज। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये अपडेट, अभी जो हमारा जो अपडेट है जो चल रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो पहला अपडेट जो है हमारा, वो अपडेट है 6.11.1, ठीक है। और अभी जो अपडेट आया है वो गाइज आपको मिलने वाला है 6.11.7, यानी कि 6.11 वर्जन ये अपडेट बढ़ा है और लगभग ये आपको मिलने वाला है 119 MB का अपडेट, ठीक है। और इसमें क्या क्या चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिकमेंडेड में लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज किया गया है द स्क्रीन फिंगरप्रिंट, जो फिंगरप्रिंट की जो स्क्रीन में जो फिंगरप्रिंट उसके जो स्लो चलती थी पहले, लेकिन हालांकि मेरी तो ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरी ठीक है फिलहाल, तो उसमें थोड़े से जो वर्क्स वगैरह थे वो आपके फिक्स कर दिए गए हैं और यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया गया है फिंगरप्रिंट के जो वर्क्स थे, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फेशियल की, जो फेस लॉक रहता उसकी भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी तो वो भी यहाँ पे ठीक कर दी गई है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस मिलने वाली हैं। ऑप्टिमाइज यूआई डिटेल्स इन डार्क मोड फॉर बी ए मोर कंप्लीट रंग्स, तो डार्क मोड भी आपको, डार्क मोड में भी थोड़े बहुत फीचर आपको बढ़ा दिए जाएंगे, वो अपडेट ऑन करने के बाद ही पता चलेगा, और ठीक है। और गाइज यहाँ पर सिस्टम में भी थोड़े से चेंजेस दिए गए हैं, तो सिस्टम में क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिस्टम में सेंसर सिस्टम सिक्योरिटी पैचेज को इम्प्रूव कर दिया गया है, जो कि सिक्योरिटी पैचेज जो रहता है उसको, जो हमारा पहला शायद 1 मई का था, तो उसको चेंज करके बढ़ा दिया जाएगा, 1 मई का था जो भी था, फिलहाल मुझे इतना याद नहीं कि कितना था, उसको बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेज को आपको चेंजेस कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी कंटेंट वर्जन को अपग्रेड कर दिया गया है। और यहाँ पे द स्क्रीन फिंगरप्रिंट के तो यहाँ पे दिखाई दिया, मैंने बताई दिया, इम्प्रूव कर दिया गया। उसके बाद फेशियल में भी यहाँ पे चेंजेस किए हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया, फेशियल में आप शायद पहले से थोड़ा अच्छा काम करेगा। और डार्क मोड को लेकर यहाँ पे यूआई डिटेल्स इन डार्क मोड फॉर है कंप्लीट रेंज फॉर डार्कर, तो फाइनली सभी चीज़ों में आपको शायद डार्क मोड इनेबल हो जाएगा और थर्ड पार्टी ऐप्स जो है उनको भी, उनमें भी आपको डार्क मोड मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन डार्क मोड, तो वो भी आप थर्ड पार्टी वाली जो एप्लीकेशन है उनको भी आप डार्क मोड में यूज़ कर पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है गाइज, वीवो ने ये फीचर दिया। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सिस्टम अपग्रेड में मिल जाएगा, सिस्टम अपग्रेड विल ब्रिंग यू बेहतर सिस्टम एक्सपीरियंस, तो मतलब कि पहले से थोड़ा अच्छा फील होने वाला है आपको इसे चलाने में, और एंड यू कैन रेस्ट, तो अपडेट विल नॉट यूज़ योर फ़ोन मेमोरी स्पेस, तो इसमें आपकी कोई भी मेमोरी नहीं जाने वाली है ज़्यादा। और इफेक्ट्स रनिंग स्पीड डिलीट मॉडिफाई, तो जो भी आप ऐप्स यूज़ करते हो वो ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाए और जो स्पीड रहती है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, मतलब कि जो स्पेस आपकी जाती है वो ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो जाएगी, मॉडिफाई होकर ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यही अपडेट मिला है वीवो वी इलेवन प्रो में और इतने ही आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। तो गाइज बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई वीवो वी इलेवन प्रो में अपडेट कब आएगा, तो फाइनली अपडेट आ चुका है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि फाइनली मुझे अपडेट जो है अभी नहीं मिला है ये वाला, लेकिन हाल ही में जल्दी मिल जाएगा, और बहुत क्योंकि ये भी जो अपडेट दिया गया है वो ग्रह शायद स्क्रे ग्रेल में टेस्ट के ऊपर दिया गया है, तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा मिले कि किसी को। तो गाइज अगर आपको एंड्रॉइड पे वीवो वी इलेवन प्रो में अपडेट मिल चुका है ये वाला, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अपडेट मिल चुका है, जिससे कि और लोगों को भी पता चल चुके कि हाँ आपको अपडेट मिल चुका है। तो फाइनली मुझे तो मिला नहीं, और जैसे ही मुझे मिलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसका रिव्यू भी करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में ये तो ज़रूर बताएं कि आपको अपडेट मिला या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।